नमस्कार दोस्तों, आजकल हमने देखा है कि बहुत से रुग्ण ऐसे मिलते हैं जिनकी याददाश्त हो चुकी है, उनको कुछ भी पता नहीं चलता है कि वो कौन है, उनका नाम क्या है, उनका रहने का पता क्या है, कुछ भी याद नहीं रहता है। इस प्रकार की विकृति को कम करने के लिए HRY की ओर से एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन मार्केट में लाई गई है, उसका नाम है इमनोरी। उसका परीक्षण मैंने किया है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसमें फ्लैक्सीड, जिसको आतिश बीज कहते हैं, ये आतिश बीज उसमें है जिसमें ओमेगा 3 फैटी है, जो हमारे ब्रेन के लिए अत्यंत उपयोगी है, जो मेमोरी को बढ़ाने वाला है। सेकंड जो उसमें जो ड्रग है वो जो है ब्राह्मी है, जो ब्राह्मी धी ध्रुति स्मृति इसका वर्धन करने वाली रहती है। थर्ड जो है शंखपुष्पी, ये शंखपुष्पी द्रव्य जो है अत्यंत प्रभावशाली है, जो हमारे मस्तिष्क का पोषण करने वाला है, मस्तिष्क को बल देने वाला रहता है। तो ब्राह्मी जटामांसी शंखपुष्पी जो है ये ब्रेन को ताकत निर्माण कर लिए होते हैं। अब आप देखते हैं कि इस प्रकार की मेमोरी का लॉस जब हो जाता है उस समय क्या क्या हो सकता है, विभिन्न प्रकार की व्याधियों का निर्माण हो जाता है। वो व्याधियाँ जैसे डिमेंशिया जो रहता है, ये डिमेंशिया जो रहता है डिमेंशिया में या डिलीरियम की अवस्था है, आदमी असंबद्ध प्रलाप करते रहता है, कुछ भी बोलते रहता है, उसका किसी भी विषय के साथ संबंध नहीं रहता है, इस प्रकार का वार्तालाप करते रहता है। बाद में डिमेंशिया में ये शून्य की ओर देखते रहता है, उसको कुछ पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, एक आकाश की ओर देखते रहता है। और थर्ड जो रहता है अल्जाइमर, इसमें तो याददाश्त तो खोई जाती है, आदमी के शरीर के ऊपर उसका परिणाम हो जाता है। हमारे ब्रेन में होने वाली रचनात्मक कृति, हमारे ब्रेन में होने वाली क्रियात्मक कृति, जिसको फंक्शनल डिफॉर्मिटी या स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी निर्माण हो जाती है, उसको कम करने के लिए, उसके कारण निर्माण होने वाले लक्षणों को कम करने के लिए ये HRY की ओर से जो इमनोरी नामक कैप्सूल निर्माण की गई है, उसका इस्तेमाल करने से हमारे बहुत से पीड़ित रुग्णों को लाभ हुआ है। ये जो इम्यूनो नाम की जो कैप्सूल है ना, इसमें किसी भी प्रकार के लेड नहीं है, आर्सेनिक नहीं है, या किसी प्रकार के शरीर को दुष्परिणाम करने वाले घटक द्रव्य नहीं है। आप अपने नज़दीक के जो डॉक्टर्स रहते हैं, फैमिली डॉक्टर्स रहते हैं, उनकी सलाह लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं।